स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। विनलिन जैसा आप लोग जान ही रहे हैं अरीना में आ चुकी है। चलिए ग्राइंड करते हैं इवेंट, सेलेक्ट करते हैं हीरोज, 10 टिकट्स, चूज करते हैं टीम। शुरुआत में चार ऑप्शन मिलता है विनलिन को चुनने का, जैसा आप लोग देख रहे हैं हर टैलेंट के साथ। दोस्तों मैं लास्ट वाला चुन रहा हूँ, अभी पढ़ रहा था, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा टैलेंट सही रहेगा, तो हर एक टैलेंट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप लोग चेक करो। मैं लास्ट वाला जो टैलेंट है राइट फिर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट, वो वाला टैलेंट मैं यूज़ करने वाला हूँ। शुरू में तो पहला मैच जब मैं खेला दोस्तों, तो पहला मैच खेलने में मुझे थोड़ा मुश्किल हुआ विनलिन को। ऑब्वियसली एबिलिटीज़ काफ़ी यूनिक है और मैं कुछ बेस्ट ऑप्शन लेके आया हूँ, इवेंट में ही मैं खेल खेल के सीख लिया, तो वो ऑप्शंस आप लोग देखेंगे। इसमें 3 गेम प्ले है, इवेंट मैंने पूरा कंप्लीट किया है और मैं सिर्फ इसमें 3 स्पेसिफिक जो विनलिन के साथ मैंने खेला है, जितना एक्सपीरियंस मैंने विनलिन के साथ गेन किया है वो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। कल मेरे ख्याल से मेजर अपडेट आना चाहिए दोस्तों, 100% श्योर नहीं हूँ लेकिन 80% श्योर हूँ कि कल मेजर अपडेट्स भी आएगा। तो आप लोग से एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, अगर आप लोग आज विनलिन को अनलॉक करना चाहते हो तो एक शॉट से अनलॉक हो जाएगा, मेजर अपडेट आने के बाद आपको 10 शॉट्स की ज़रूरत पड़ेंगे, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। एक शॉट से अनलॉक करना विनलिन को, तो रोलेट कंप्लीट करना होगा। रोलेट का बोनस मैं बता देता हूँ, 40 कार्ड्स मिलेंगे आप लोगों को, जहाँ पे जैम्पियन कॉइन्स है ना वहाँ पे आप लोगों को 40 कार्ड्स मिलेंगे फिफ्थ बोनस पे, और 2 शॉट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे विनलिन के। मैंने विनलिन को अनलॉक कर लिया दोस्तों, मैंने जेम्स यूज़ किया है, एक इवेंट ग्राइंड किया है, कुछ करेंसी टीम से मिले थे और मैंने जेम्स से अनलॉक कर लिया विनलिन को। वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा इसके बाद जब अपलोड करूंगा, तब फिलहाल इवेंट का गेम प्ले आप लोग एंजॉय कीजिए। ये है विनलिन, ये देखिए, ये एक टैलेंट है दोस्तों जिसमें वो क्या करती है ना, शेडो एनर्जी जो है वो टानती है अपोनेंट का, तो ये उन अपोनेंट्स के लिए ठीक है जो शेडो एनर्जी पे डिपेंड रहते हैं। जिसका मान लीजिए सार्ज है, सार्ज का अगर शेडो इनविजिबिलिटी में नहीं जाने देना है तो अपने को क्या करना है, वो एबिलिटी का इस्तेमाल करना है, वो बेस्ट एबिलिटी रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। इस राउंड पर हम लोग देखते हैं सामने बुचर है, ये बुचर, ये एबिलिटी आप लोग का स्टन है, ये भी एक शेडो एबिलिटी है दोस्तों। जैसा आप लोग देख रहे हैं ना वो थंब का आइकन बना हुआ है लेफ्ट साइड वाला शेडो मूव पे, जैसे शेंग के मूव में रहता है वैसा टाइम, तो ये क्या करता है, स्टन करता है एक तरह से, सोल ग्रीव जैसा ही काम अगर हम लोग बोले तो थोड़ा देर के लिए स्टन कर देगा अपोनेंट्स को, और तब आप लोग हैवी इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशल इस्तेमाल कर सकते हो या जम के अगर डिस्टेंस दूर है तो। यहाँ पे बुचर भी ख़त्म है, चलते हैं उसके आखिरी हीरो की तरफ जो कि है ईटू। तो 4 शेडो मूव आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, अप शेडो मूव से क्या होता है वो जेट जैसा इनविजिबल हो जाता है, ठीक है, जेट जैसा इनविजिबल। ये वाला कॉम्बो सबसे बेस्ट है दोस्तों, ब्लिंक उसके बाद राइट शेडो मूव और आप अटैक कर सकते हो ये वाला। ये तो अभी आप लोग देखे कि ऑराट आनी है वो शेडो एनर्जी, राइट और प्लस राइट, मतलब राइट के साथ जब लेफ्ट वाला जो ऑप्शन जैसे मिडनाइट का है ना, ब्लिंक प्लस रिमूवल, सेम यही वाला चीज। तो ये क्या करती है, जब शेडो एनर्जी टानती है दोस्तों तो उसका भी शेडो बार फिल होता है, तो ये अच्छा है कि ये शेडो मूव में जाती नहीं है दोस्तों, शेडो मूव में जाती नहीं है, तो उससे क्या होगा कि अजूमा किट के सामने भी हम लोग अपना शेडो मूव इफिशियंटली यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत बढ़िया टैलेंट है। चलते एक और अपोनेंट की तरफ, दूसरा अपोनेंट है गॉड शेडो, दोनों ने विनलिन के साथ ही शुरू किया है राउंड 1 फाइट। तो मैं दोस्तों सबसे पहले आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ एक बात कि मैं ग्राइंड करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ दोस्तों, अपना मेंटल भी सबसे ज़रूरी है। आप लोग जानते हैं कि एसजीजी के पास जेम्स की कोई कमी नहीं है और रिसोर्सेस इतने हैं कि मुझे जेम्स जमा करने में भी कोई इशू नहीं है। मैंने एक ज़रा भी ये रिग्रेट नहीं किया कि विनलिन को मैं 6000 जेम्स लगा के अनलॉक कर रहा हूँ। सबसे पहला बात मैंने टीम से कन्फर्म किया ये चीज़, टीम ने मुझे बताया कि अगर आज हम अनलॉक कर लेते हैं तो एक शॉट में अनलॉक विनलिन हो जाएगी, कल मेजर अपडेट आने के बाद 10 शॉट लगेंगे। तो मैं बोला भाई ग्राइंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लस अगर शॉट सिस्टम आ गया, अभी हम लोग रेयर में हम लोग जानते हैं कि 140 कार्ड्स लगेंगे दोस्तों पूरे टैलेंट्स को अनलॉक करने के लिए, 14 शॉट्स, और जब मेजर अपडेट आ जाएगा तो 140 शॉट्स लगेंगे, तो 2+2 4 शॉट्स मिल जाएंगे मैराथन से, 2 शॉट्स मिल जाएगा बोनस से, तो 3 टैलेंट आराम से अनलॉक कर लेंगे हम लोग। बाकी शॉट्स के लिए थोड़ा सा मुसीबत है लेकिन क्या ही कर सकते हैं, 3 टैलेंट तो कम से कम अनलॉक करेंगे दोस्तों।
और तो ये चीज़ के कारण मैंने सोचा कि लगा लो जेम्स भाई, कोई इशू नहीं है, फिर से जेम्स कलेक्ट हो जाए। और यहाँ आप लोग देख ही रहे दोस्तों फ़ायदा उसका, यूनलिंग काफ़ी अच्छी हीरो है, एक यूनिक फील आ रहा है दोस्तों इसके साथ खेलने का, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली हर हीरो के साथ खेल खेल के बोर हो चुके हैं, सब हीरो एक ही जैसे, क्योंकि जो मैकेनिक्स है शैडो फाइट 3, शैडो फाइट 2 सब कुछ सेम ही, एक तरह से 90% हीरोज़ जो है हम लोग शैडो फाइट 3 में इस्तेमाल कर ही चुके हैं। कुछ हीरोज़ है जो यूनिक है, जैसे कि कोबरा हो गई, हाँ जैसे कि मंकी किंग आप लोग बोल सकते हो, हालांकि मैकेनिक्स तो शैडो फाइट 3 का ही है, और यूनलिंग का भी आप लोग 90% मूव जान ही रहे हो कि ये मंकी किंग से रिजेंबलेंस है, लेकिन हीरो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मैक्स टैलेंट के साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि जो लेवल 10 टैलेंट है दोस्तों वो रेंज वेपन वाला टैलेंट है। ये लेवल 10 का पहला टैलेंट है रेंज वेपन, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो अपोनेंट को नॉकआउट कर देगा। उसके बगल वाला जो टैलेंट है उससे मेरे ख्याल से बहुत कम शेडो एनर्जी से ये शेडो मूव एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये भी काफ़ी तगड़ा टैलेंट होगा यूनलिंग के लिए। हल्का सा भी शेडो एनर्जी हो तो स्टन करो अपोनेंट को, ब्लॉक ब्रेक का इस्तेमाल करो वगैरह वगैरह कर सकते हो। चलिए यहाँ पे इसका ये हीरो ख़त्म है, चलते हैं एक और हीरो की तरफ। मार्कस है सामने, हिलगारानी तैयार, फाइट। एक और गेम प्ले इसके बाद आएगा दोस्तों, तो आप लोग को बेहतर आइडिया हो जाएगा यूनलिंग के साथ। हीरो तो काफ़ी ज़बरदस्त है, और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, इवेंट में तो यार हीरोज प्लेयर की कमी नहीं है। आप लोगों को मैं वीडियो अभी नहीं दिखाऊंगा जो मैंने कंप्लीट किया है, इन्हीं तीन हीरो के साथ कंप्लीट किया है, वो वीडियो रोलेट के साथ लाऊंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो को करना नहीं चाहता। ये वीडियो स्पेसिफिक यूनलिंग के लिए है, जो हम लोग यूनलिंग को इवेंट में ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग देख ही रहे हैं, राइट लेफ्ट टैलेंट मैंने यूज़ किया है। बेसिकली एक टैलेंट से शायद हेल्थ रिजनरेट होता है, जो आपका राइट टैलेंट है ना वो आपका अगर इस साइड वाला होगा वो लेफ्ट वाला ऑप्शन में, तो उससे हीलिंग करती है वो। चलिए ग्रैब करते हैं, अब अटैक, सेम मंकी किंग जैसा मूव है, ये देखिए ये ब्लिंक, अब वेट करेंगे, ग्रैब करेंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं वो हेवनली जैसा सक्सेसफुल में ये ब्लॉक ब्रेक मिलता है दोस्तों, सही है ये टैलेंट भी। ये देखिए यहाँ से और हटाने का कोशिश किया, लेकिन अपोनेंट जो पीछे जा रहा है तो वो वर्क नहीं कर रहा है, वो तभी वर्क करेगा ना। ये आप लोग ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, स्टन करके वो चीज़ टान सकते हैं हम लोग अपोनेंट का शेडो एनर्जी, तो वो भी इफेक्टिव रहेगा। स्टन करके शेडो ऑरा टान लो, हाँ उसके बाद फिर से ब्लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शेडो ऑरा टानेंगे तो हम लोग को कुछ शेडो एनर्जी मिल जाएगी, ये भी सही रहेगा। प्लस इनविजिबल भी हो सकते हैं हम लोग, इथेरियल भी हो सकती है यूनलिंग, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इथेरियल भी यूनलिंग हो सकती है। वो टैलेंट शायद मेरे ख्याल से दूसरे टैलेंट में है, क्योंकि अभी प्रॉपरली अनलॉक किए नहीं है इसको, तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है दोस्तों। कल दिखाऊंगा आप लोगों को, या हो सकता है कि शाम में ही दिखा दूँ, अगर मुझे मौका मिलता है दोबारा वीडियो क्रिएट करने का तो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट सैंग है, ये देखिए अपोनेंट को, ऐसे ही अपोनेंट्स आप लोगों को मिलेंगे दोस्तों इवेंट में, दिमाग ख़राब कर देंगे मेरे। मैं समझ सकता हूँ कि बाकी क्या फील करते होंगे, तो थोड़े से मुझे लगता है दिक्कत होती होंगी हराने में, हीरोज़ को चलाने में, वो लोगों सच में यार बहुत प्रॉब्लम होती होगी। ये देखो ऐसे ही अपोनेंट्स मिलेंगे आप लोगों को। मैं किसी तरह इवेंट कंप्लीट किया रात को दोस्तों, मैं क्योंकि मुझे कल वीक डेज है ना, अभी वर्किंग टाइम है तो ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं वीडियोस बनाने का, और रात का टाइम है अभी 2 बज रहा है पक्का पक्के दोस्तों। हम लोग सभी जानते हैं इवेंट जो है 12 बजे आया था, मैंने फटाफट कंप्लीट किया और वीडियो बनाने लगा कि आप लोग को कल सुबह ही सुबह मैं अपलोड करके दिखा दूँ यूनलिंग का गेम प्ले, वो भी ग्लोबल वर्जन में, क्योंकि बीटा में ये अपडेट आया नहीं, बीटा में मेरे ख्याल से अपडेट देंगे भी नहीं ताकि स्पॉइल हो जाएगा, ये रीज़न हो सकता है। ज़रा सा मेरे ख्याल से आहा बच गया दोस्तों, यहाँ पे ग्लूमी एक्सप्लोजन ने मुझे यार हरा दिया, नहीं तो शैंग को भी हम लोग हरा देते। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों यूनलिन इफेक्टिव कितनी है, अगर सही से चलाना सीख लेंगे हम लोग तो ज़बरदस्त हीरो है। कैंपर्स के लिए फेवरेट भी हो सकते हैं, और कैंपर्स एंटी कैंपर भी हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि जो स्टन एबिलिटी है वो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल है, इवन ब्लिंक भी इसका। सही मौके पे ब्लिंक इस्तेमाल करके हम लोग ब्लॉक ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बोज क्रिएट करना होगा लेकिन उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए। ये देख लो दोस्तों ऐसे ही अपोनेंट मिलेंगे आप लोगों को, ये है एरिना के रगड़ू, इन लोगों की यही औकात है दोस्तों, ये लोग ऐसे ही रगड़ सकते हैं क्योंकि ये लोग बकरी का दूध पीते हैं, ये लोग मर्द नहीं है दोस्तों, ये लोग ऐसे ही खेलेंगे। शाइनिंग डैश घुसा दिया है, यहाँ शैंग खत्म है, चलते उसके आखिरी हीरो की तरफ। रगड़ने में उस्ताद है लेकिन इसका रगड़ा ही काम नहीं आ रहा है, यह है एरिना के स्किलफुल प्लेयर्स दोस्तों, इन लोगों के लिए यही लोग स्किलफुल है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो इन लोगों के भाई दादा खानदान है ना
वो इन लोगों को स्किलफुल मानते हैं। हम लोग जैसे कोई स्किलफुल नहीं, हम लोग पे टू विन है, हम लोग मनी लगा के गेम प्रोग्रेस किए दोस्तों। ये लोग क्या है, ये लोग स्किलफुल है, ये लोग फ्री टू प्लेयर है, ये लोग स्किल करके अपना जो सारे चीज़ें एक्वायर कर रहे हैं और हम लोग पैसे लगा के एक्वायर कर रहे हैं। हार्श रियलिटी है ये, लेकिन अपने को क्या, अपने को काम करने से मतलब है। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का ग्लिच हुआ दोस्तों। रनिंग नी शाइनिंग डैश एक बार देते हैं। हाँ, एक हैवी, एक स्पिनिंग अटैक। ये देखिए डर कितना सही दिख रहा है। स्टन का फायदा यहाँ पे उठाइए। और यूनलिंग का डैमेज भी बढ़ता है दोस्तों। एक शेडो एबिलिटी अगर हम लोग कुछ यूज़ करें तो यूनलिंग का वो शेडो एबिलिटी जो है वो डैमेज को इंक्रीज करता है। इसका तो आलेले हो गया दोस्तों, उप से पवित्र भी हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों इवेंट का ये यूनलिंग का गेम प्लेस आप लोग को पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगा, बाय बाय।